हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कामरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल कामरान जी। आज की वीडियो में बताऊंगा ब्लॉग फीचर्स क्या होता है, सजेस्टेड वीडियोस क्या होते हैं, यूट्यूब सर्च क्या होता है, ठीक है, एंड स्क्रीन क्या होता है, नोटेशंस क्या होते हैं और कार्ड्स क्या होते हैं, यूट्यूब की पूरी डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें वरना मैसेज जो है आपको गलत पहुंचेगा। आज जो है बहुत ही खुशी हो रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं बहुत खुश हूँ मैं आज। क्यों, क्या वजह से खुश हूँ आपको भी पता होना चाहिए। देखिए, हमारी इंडिया की ऑडियंस को पता चल गया है कि जो है ऐसा प्लेटफॉर्म जो है उसको हम पसंद नहीं करते जहाँ पे जो है 95% नॉन इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है, 95% जो है नॉन क्रिएटिव रहता है और नॉन कंटेंट इन्फॉर्मेशन रहता है। जी हाँ, और 5% सिर्फ इंटरटेनमेंट रहता है। मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हर कोई परेशान है फिर वक्त। टिकटॉक की जो रेटिंग है आप प्ले स्टोर पर जाके भी देख सकते हैं, उसकी रेटिंग बहुत ही गिर चुकी है, 1.2% हो गई है। वहाँ के बड़े स्टार्स भी बहुत ही परेशान हैं। अब करे तो करे क्या, कमाए तो कैसा कमाए बोल के पूरे स्टार वहाँ के टिकटॉक के बहुत ही परेशान हैं। टिकटॉक की SEO जो है बहुत ही ज़्यादा जो है गिर चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशी हो रही है यहाँ पे। टिकटॉक को पता चल गया है जो है यूट्यूबर्स एक होते हैं और यूट्यूब का इतना ज़्यादा जो है दबाव है टिकटॉक पे कि जो है टिकटॉक की रेटिंग जो है इंडिया में जो है प्ले स्टोर से गिरा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सब आपकी जो है सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। हम यूट्यूबर्स को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो वीडियो भी आ जाते हैं। देखिए, आज हम 6 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले तो ब्लॉग फीचर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, सजेस्टेड वीडियोस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, यूट्यूब सर्च क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, एंड स्क्रीन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और 6th होता है जो है कार्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन YouTube रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। देखिए, पहले होता है ब्लॉग फीचर्स। कोई बंदा है, अगर आपने जो है कोई बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपने नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया है, सिर्फ आपने जो है उस बंदे को के चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो जब आप वो बंदा जो है जब चैनल पर वीडियो अपलोड करता है तो आपके जो जब आप YouTube ओपन करते हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या सिस्टम पे, तो आपके YouTube के होम पेज पे जो है उसकी वीडियो ब्राउज होती है। ठीक है, ब्राउज फीचर उसको बोलते हैं। तो जब आप क्लिक करके वो वीडियो देखते हैं तो उसको जो है ब्राउज फीचर में हम उसको काउंट करते हैं और वहाँ का परसेंटेज दिया जाता है YouTube स्टूडियो में। ठीक है, उसको हम ब्राउज फीचर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट होता है सजेस्टेड वीडियो। देखिए, सजेस्टेड वीडियोस, जब अगर आपका कोई वीडियो है और वो जो है अच्छा ऑडियंस रिटेंशन में अच्छा आ रहा है तो YouTube क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ई पास का बहुत ही चल रहा है, लॉकडाउन का ज़्यादा चल रहा है, तो लॉकडाउन या ई पास के नीचे अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उसके नीचे आपकी वीडियो जो है YouTube ऑटोमेटिकली रिकमेंड करता है। उस रिकमेंड जो आपके साइड में YouTube से रिलेटेड जो वीडियो साइड में आते हैं, जो आप देख रहे हैं और उसके नीचे जो वीडियोस आते हैं उसको रिकमेंड या सजेस्टेड वीडियोस बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तीसरा होता है YouTube सर्च। देखिए, अगर कोई वीडियो फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए छोले भटूरे जो है कैसे बनाते हैं उसके बारे में यूट्यूब पर मैं सर्च करा, ठीक है, अब वहाँ पे 3 वीडियोस आ जाते हैं छोले भटूरे कैसे बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो अब वहाँ पे जो पहली दूसरी तीसरी वीडियोस आ जाती है, ठीक है, तो मैं जो है थंबनेल पे देख के और टाइटल जो अच्छा दिखा उसी पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करता हूँ या सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो, तो वो 3 जो वीडियोस रैंकिंग है उसको हम बोलते हैं यूट्यूब सर्च। कोई आपका टाइटल या कोई वीडियो यूट्यूब के सर्च इंजन से अगर पता करके देखा तो उसको यूट्यूब सर्च में काउंट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे 3 की टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं। 4th टॉपिक जो है एंड स्क्रीन है। देखिए, एंड स्क्रीन किसको बोलते हैं, यानी कि जब वीडियो के बाद आप देख रहे हैं 4-5 वीडियोस आपके आते हैं कि ये देखिए। देखिए, कोई भी यूट्यूबर या क्रिएटर की आप जब वीडियो देखते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, वीडियो के एंड पे जो है 4 वीडियोस लगे हुए रहते हैं एंड स्क्रीन, उसको हम बोलते हैं एंड स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए कार्ड्स। देखिए, कार्ड्स में जो है हम वीडियो के जो वीडियो जब आप देख रहे हैं किसी की, तो उसके ऊपर जो है आई बटन रहता है, तो आई बटन में जितने भी वीडियोस है उसको हम बोलते हैं कार्ड्स। ठीक है, तो ब्रोस फीचर्स किसको बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, यूट्यूब सर्च किसको बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया। सक्सेस्टेड वीडियोस किसको बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया। देखिए, और एक होता है नोटिफिकेशन। जब आप अगर कोई क्रिएटर को या किसी बंदे को आपने सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन को प्रेस कर लिया है, ठीक है, वो जो नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है वो जो है ब्राउज फीचर्स में आता है। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन के साथ साथ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लिए, तो उसमें जब कोई भी बंदा जब वीडियो अपलोड करेगा तो आपके फ़ोन पे जो है यूट्यूब
का ऑटोमेटिकली जो है टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये बंदे ने वीडियो अपलोड किया, तो आप जो है नोटिफिकेशन को क्लिक करके बंदे की वीडियो पे जाते हैं तो उसको नोटिफिकेशन में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी मिस हो गया तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे जो है बोल सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर अब तक आपने टिकटॉक को डिलीट नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है डिलीट कर दीजिए, क्योंकि 95% जो है नॉन इन्फॉर्मेटिव रहती है यहाँ पे और 5% सिर्फ एंटरटेनमेंट रहता है। ठीक है, बता दीजिए कि सब यूट्यूबर्स एक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। टेक्निकल कामना जी को इजाज़त दीजिए। जय हिंद दोस्तों।